सब्ट्रैक्शन इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसमें से सब इसमें कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? फॉर एग्जांपल कोई नंबर है आपके पास, हेक्साडेसिमल नंबर है, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है दूसरा नंबर, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? तो इसमें बेस क्या होता है, हेक्साडेसिमल बेस होता है 16, तो अगर बोरो मिलेगा तो कितने का मिलेगा? 16 का, ठीक है। एक डिजिट अगर दूसरे से बोरो करेगी तो 16 का करेगी। अब ये लिख लेते हैं इसे 8B4, तो आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो 5-4 इज 1, A-B, अब हेक्साडेसिमल में A होता है 10 और B होता है 11, ठीक है। तो अब 10 में से मतलब माइनस करना है 11, ठीक है। तो इसको बोरो लेना पड़ेगा, तो इसके पास क्या रह जाएगा 8। अब यहाँ पर इसको बोरो कितना मिला 16 का, और ऑलरेडी इसके पास कितना था 10, तो टोटल हो गया 26। 26 में आपको माइनस करना है बी, बी मीन्स 11, तो 26 माइनस 11 मीन्स 5, 1, 15। अब 15 को हम हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं? एफ, ठीक है। तो आंसर में क्या आया हमारे यहाँ पर? एफ, ठीक है। अब 8-8 इज 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप हेक्साडेसिमल में सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। थैंक यू।